कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट पे, हम लोग उसके डेरिवेटिव से करेंगे। चलो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। वो सारा इंटरवल निकालना है एंड ऑल्सो डिस्कस the points of maxima, also discuss the points of extrema. extrema जब बोलते हैं तो local maxima, local minima दोनों आ जाता है। for fx is equal to, fx तुमको एक एक function है जो कि इसको satisfy कर रहा है, some function gx is satisfying this। हम लोगों gx के लिए पता करना है, और gx is given as 2 into f of x square by 2 प्लस एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ, हाँ हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, ओके। जी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एफ ऑफ सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो इस फंक्शन का हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये पता करना है जी एक्स के बारे में कि जी एक्स किस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए डिक्रीजिंग है, और उसका पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा वगैरह ये सब पता करना है। चलो, जैसे एक और क्वेश्चन है सर, मतलब एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव छोड़ के। नहीं, डबल डेरिवेटिव को छोड़ के नहीं दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बस इतना दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तुमको जी एक्स के बारे में पता करना है। gx फंक्शन के बारे में तुमको पता करना है कि gx किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में gx डिक्रीजिंग है, और gx का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में हम लोगों को पता करना है। सर, और क्वेश्चन में तो व्हिच fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सर तो gx होगा वहां पे। हाँ हाँ, यहाँ gx होगा। यस, हाँ, ये चेंज हो, फॉर व्हिच gx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, gx के बारे में दिया हुआ। gx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के लिए हम लोग को x निकालना है और gx का ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट्स निकालना है। चलो एक मिनट, विच इज करेक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इफ fx इज इंक्रीजिंग f इनवर्स x इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग वन बाई एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शंस, पॉजिटिव फंक्शंस
f is increasing and g is decreasing, then f by g is decreasing. If f and g are positive functions, and f is increasing and g is decreasing, then f by g is decreasing. एक मिनट, f एंड g आर पॉजिटिव है, f इज इसका उल्टा होगा, f इज डिक्रीजिंग एंड g इज इंक्रीजिंग. देन f by g इज डिक्रीजिंग. पॉजिटिव फंक्शन मतलब, पॉजिटिव फंक्शंस का मतलब पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, उसका रेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा. f इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x. एक सेकंड रुक जाओ. f dash x दिया हुआ है, is monotonically increasing when x is less than 0, x greater than 1, x less than 1, x 0 to 1. f is monotonically increasing होगा या f dash is monotonically increasing होगा? f dash के बारे में पूछा है, f dash function के बारे में पूछा है. एफ एक्स का तो ग्राफ बन जाएगा, एफ डैश के ग्राफ देख के समझ रहे हो ना, एफ एक्स के बारे में नहीं पूछा है. एफ डैश एक्स इक्वल टू इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. एक सेकंड.
एक में यू है, एक में भी है, यू और भी तुमको दे दिया है, सी कोई पैरामीटर की तरह है। जस्ट अ मिनट, सर ऑप्शन बी में वो जी ऑफ एफ ऑफ वी है या यू है? ये भी है। फाइव में वो सब उस फंक्शन के बारे में सब कुछ निकालना है, मतलब रेंज क्या होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, पूरा निकालना है। Just a minute. So x is equal to 2 x. And x is equal to 2.
एक मिनट, polynomial of degree 3 satisfying p of minus 1 is 10, p of 1 is minus 6, px has maxima at x is equal to minus 1 and p dash x has minima, p dash x has minima at x is equal to 1. Find the shortest distance between the local maxima and local minima of the curve. Local minima of the curve. चलो पहले इतना ट्राई करते हैं. चलो ये ट्राई करते हैं पहले. पहला क्वेश्चन जो है जी एक्स दिया हुआ है तुमको, और तुमको जी एक्स के बारे में ही पता करना है. बता रहे देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, जी एक्स का हम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता करना है. तो डिफरेंशिएट करेंगे, सो लेट अस डिफरेंशिएट जी डैश एक्स. क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट दिस साइड ऑल्सो. So you will get 2 into f dash x square by 2 into iska derivative. So iska derivative x hoga plus f dash 6 minus x square into iska derivative minus 2x hoga. To hum log 2x ko common le sakte hain. So taking 2x common, f dash x square by 2 minus f dash 6 minus x square. कुछ ऐसा मिल रहा है हमें. अब देखो
तो सबसे पहली बात कि जी डेस का हम लोग को साइन पता करना है, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि मतलब केस वन हम लोग सोच रहे हैं कि जी डेस पॉजिटिव होगा और एक्स को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव के लिए हम लोग पता कर रहे हैं कि जी डेस पॉजिटिव के लिए क्या एक्स का वैल्यूज मिलेगा। जब एक्स पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर जी एक्स टू बी इंक्रीजिंग और फॉर जी डैश टू बी पॉजिटिव। फॉर लेट लेट एक्स इज पॉजिटिव, मैंने मान लिया, सो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव करना है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश 6 - x2। और तुमको ये क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। एफ डबल डैश का क्या मतलब होता है, वो सिंगल डेरिवेटिव का ही तो डिफरेंशिएशन है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब जो एफ डैश फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। तो कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो एक्स का वैल्यूज बढ़ाने पे तुमको बड़ा बड़ा वैल्यूज मिलेगा। जैसे एक्स का वैल्यू 1 रखोगे कुछ मिला, फिर 2 रखोगे उससे बड़ा मिलेगा, 3 रखोगे उससे बड़ा मिलेगा। तुमको ऐसा दे दिया एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, तुम सिंपल सा समझोगे अच्छा भाई एक्स वन बड़ा होगा एक्स टू से, तब ना बड़ा होगा, इंक्रीज कर रहा है, ये इससे बड़ा है। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो चूंकि एक्स ग्रेटर देन 0 बोला है तो हम लोग को क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मिल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी मिल रहा है। नाउ अब देखो, जब हम एक्स लेस देन 0 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0 हुआ तो पता चल गया कहाँ इंक्रीजिंग है। अगर हम लेस देन 0 ले रहे हैं, अगर हम लेस देन 0 ले रहे हैं, एक्स इज लेस देन 0 तो ये निगेटिव है, इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा तभी जाके फंक्शन जो होगा। सो फॉर जी डैश एक्स टू बी पॉजिटिव, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू शुड बी लेस देन, ये होगा निगेटिव एक्स के लिए, इंक्रीजिंग होने के लिए ये होना चाहिए। दैट मीन्स और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 और एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। तो एक्स तो निगेटिव बोला है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से सॉरी 0 to -2, एक्स बिलोंग्स टू 0 -2 to 0, -2 to 0। तो ये पार्ट इससे आ रहा है और इससे ये पार्ट आ रहा है। दैट मीन्स जो जिस जिस एक्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है वो हमें मिल गया। फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी -2 से 0 है और 2 से इन्फिनिटी है। फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सा, जी एक्स की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट जी एक्स। सो फॉर जी एक्स टू बी इंक्रीजिंग, क्या आ गया, एक्स शुड बिलोंग टू -2 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये आ रहा है। सिमिलरली फिर से हम लोग वही काम कर सकते हैं, फॉर जी एक्स टू बी निगेटिव, जी सॉरी जी डैश एक्स को निगेटिव हम लोग सोच रहे हैं, इसमें केस वन ले लिया, जब एक्स पॉजिटिव है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू शुड बी लेस देन, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, जी डैश एक्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना होगा, ये होना होगा। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, तो इससे आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 आ रहा है।
केस टू में एक्स नेगेटिव है तो ये बड़ा होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, तो लेस देन जीरो है तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, आ गया डिक्रीजिंग के लिए। तो जी एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन जीरो से टू, तो पूरा ही इसका वेवी कर प्लॉट हो गया माइनस टू जीरो टू। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव प्लॉट कर दो, टू से बड़ा के लिए क्या था, टू से बड़ा के लिए क्या था, बोलो जल्दी बोल, टू से बड़ा के लिए जी डैश एक्स क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव था। जीरो से टू में जी डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। माइनस इन्फिनिटी या माइनस टू से जीरो में क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि ये डिक्रीज करके इंक्रीज किया, इंक्रीज करके डिक्रीज किया, इसका मतलब यहाँ से पता चल गया लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और टू। चलो इस तरह से अप्रोच ले लेंगे, कभी भी ऐसा फंक्शन देगा जहां पे मतलब एफ जी एक्स किसी और फंक्शन के टर्म्स में दिया रहेगा और उसका डेरिवेटिव करने पे तुमको क्या करना होगा, कभी कभी जैसे यहाँ पे एक्स कॉमन आया, कभी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, कभी वो पूरा फैक्टराइज होके थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो फैक्टराइज होके एक्स कुछ फैक्टर्स कॉमन आएंगे, बाकी इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव दे देगा तो उल्टा लेंगे, है ना। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव दिया रहता तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होता, तो ये ग्रेटर देन ये का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर बाई टू लेस देन दिस, उल्टा सोचते, मतलब कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है और तुमको बोले हैं एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, सिंपल सा बात है कि एक्स वन लेस देन एक्स टू होगा, डिक्रीजिंग है तो, और इंक्रीजिंग है तो सेम रहेगा, इसको ध्यान में रखना, बेसिक से सोचना है। चलो इसी टाइप का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको भी कर ही लो, इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो सेकंड में कर लोगे। जी एक्स इज गिवन एज टू इंटू एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 2, देन जी एक्स इंक्रीजेस इन, चलो उसको जल्दी में करके बताओ, सेम ही प्रॉब्लम। ऑप्शन बी डी डी आ रहा है, देखो सिंपल सा बात है, यहां पे हो जाएगा एक सेकंड में। जी डैश एक्स करोगे
तो आ जाएगा 2 इंटू मतलब f डैश x बाई 2, 2 2 कट जाएगा, माइनस f डैश 2 माइनस x, ऐसा आ गया। तो एक सेकेंड, हाँ तो सिंपल सा बात है, ये तुमको जी डैस एक्स को ग्रेटर देन जीरो करना है, मतलब एफ डैस एक्स बाई टू माइनस एफ डैस टू माइनस एक्स, ये बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो क्या होगा, एक्स बाई टू छोटा हो जाएगा इससे। लिख सकें, ये क्लियरली दे दिया है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो इस इनइक्वालिटी का मतलब होगा एक्स बाई टू मस्ट बी लेस देन टू माइनस एक्स, तो थ्री एक्स बाई टू इज लेस देन टू और एक्स इज लेस देन फोर बाई थ्री, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो से फोर बाई थ्री तक होगा, इसके बीच में फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। इसका यूज करना था, उससे हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ रहे हैं। इस तरह का प्रॉब्लम में ऐसे अप्रोच लेना है, पेकुलियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके डिफरेंट अप्रोचेस को क्रिएट कर सकता है, तो उस पर थोड़ा थोड़ा सोचना है, बस प्रैक्टिस करना है थोड़ा, इस टाइप का जितना मिलेगा अलग से। पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स किस किस टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज नहीं होता है जनरली, अगर देखोगे तो समझ जाओगे। चलो तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, ट्राई करो सब लोग। हाँ ये तो बेसिक बात है, सेकंड जो है इसमें तो कुछ खास बात नहीं है। देखो सब में अप्रोचेस तुमको पता है, जैसे कि सिंपल डेरिवेटिव से ही करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है ना, कौन कौन सा इसमें, अच्छा देख लेते हैं रुको। देखो ए में तो तुम समझ रहे हो कि देखो ए की बात अगर करते हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ए की बात करता हूँ, तुमको पता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, एक्स होता है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एफ इनवर्स एक्स इंटू एफ इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, दिस इज वन। तो देखो इसका डेरिवेटिव इनटू एफ डैश, तो एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होगा, तब ना ये वन आएगा। और अगर एफ एफ डैश का साइन जो है वो नेगेटिव होगा तो इसका भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब अगर एफ इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है यहां से, एफ अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसको भी पॉजिटिव होना होगा तब ना ये वन आएगा। और एफ डैश अगर नेगेटिव होगा तो इसको भी नेगेटिव, मतलब पहला तो गलत है, सही नहीं है। f इंक्रीजिंग है तो f डैश भी, f इनवर्स भी इंक्रीजिंग हो, f इंक्रीजिंग है तो 1 बाय fx, इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। तुमको f डैश पॉजिटिव दिया हुआ है, इसको g मान लो, तो g इज 1 बाय f, तो g डैश क्या होगा, g डैश होगा माइनस 1 बाय f स्क्वायर इंटू f डैश, माइनस 1 बाय f स्क्वायर इंटू f डैश। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है, क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है तो 1 बाय एफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो बी भी गलत है। इफ एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शंस
एफ इंक्रीजिंग है और जी डिक्रीजिंग है, एफ बाई जी का बात कर रहा है, तो तुम इसको एज्यूम कर लो लेट यू इज इक्वल टू एफ बाई जी, ये क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स बाई जी स्क्वायर एक्स, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। यू डैश जो है ये हो गया, यू अगर एफ बाई जी है, एफ एक्स बाई जी एक्स अगर सोच रहे हैं यू को, तो यू डैश कैसा ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा यू डैश बी माइनस यू बी डैश बाई बी स्क्वायर। अब तुम देखो इस पे मैच करा दो, तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एफ अगर इंक्रीजिंग है और जी अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश पॉजिटिव होगा, एफ और जी पॉजिटिव दिया हुआ है, एफ डैश पॉजिटिव होगा, ठीक है, एफ डैश पॉजिटिव होगा, जी डैश निगेटिव होगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन जीरो कब आ रहा है, जब तुमको ऑप्शन ओ, तब तो ये गलत हो गया सी, और अगर उल्टा दे दे सी गलत हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, और तुमको डी में क्या बोल रहा है, देखो डी में बोल रहा है कि एफ डिक्रीजिंग है, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो आएगा फॉर डी, फॉर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट, ओनली ऑप्शन डी, इसके लिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, क्या भाई क्लियर है ना, सिंपल यूवी रूल से बोल रहे हैं, किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो हम लोग रियल नंबर का कॉन्सेप्ट से तो कर सकते हैं ना, कि एफ बढ़ रहा है और जी, सॉरी एफ घट रहा है और जी बढ़ रहा है, तो एफ बाई जी घटेगा, ऐसे बोल सकते हैं या डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहिए? बोल सकते हो, उस तरह से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव ये इसमें बोल सकते हो, डिवीजन में बोल सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ प्रोडक्ट में नहीं बोल पाएंगे इस तरह से, एफ इंटू जी रहेगा तब नहीं बोल पाएंगे, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो दोनों का प्रोडक्ट बढ़ भी घट सकता है घट भी सकता है, डिवीजन में बोल सकते हैं ए बाई बी है तो अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो ए बाई बी जो होगा बड़ा होगा, तो ए बढ़ रहा है बी घट रहा है तो ए बाई बी और बढ़ेगा ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए बढ़ रहा है बी घट रहा है तो ए बाई बी जो होगा और तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव से एकदम सिंपल तरीके से आ जा रहा है, जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो कर रहे हैं, चलो तो ठीक है, क्लियर है ये एकदम आ जा रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, चलो प्रॉब्लम थ्री देखो, प्रॉब्लम थ्री में एफ डैश का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, पता चल जाएगा, ये तो क्लियर कट ग्राफ हम लोग इसका बना सकते हैं, जीरो और वन, तो वन से अगर बड़ा लोगे तो दोनों खुलेगा तो वन आ जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट है, और जीरो से छोटा लोगे तो दोनों माइनस खुलेगा तब भी कट के माइनस वन आ जाएगा, और इसके बीच में ऐसा ग्राफ आएगा, देखो ये ग्राफ होगा एफ डैश एक्स का, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का ग्राफ, नाउ देखो, तो यहां पे तुम क्लियरली देख सकते हो ये जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू को तो हम निकाल लेंगे जहां पे ये जीरो हो रहा है, 2x माइनस वन ये लाइन है, तो x इज इक्वल टू हाफ, ये तो हाफ ही होगा, हाफ रखोगे तो जीरो आ रहा है, तो देखो हाफ से छोटा के लिए when x is हाँ f dash का जो f dash x ये दिया हुआ है और ये monotonically increasing बोल रहा है, तो monotonically increasing जो होगा, अच्छा इसमें देखो, इसमें basically f x के बारे में, इसको
एफएक्स के बारे में ये पूछना चाहा है, प्रॉब्लम में एफएक्स ही होगा, दोनों हम डिस्कस कर देते हैं। देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम में बेसिकली अगर एफ डैश एक्स का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब तो ग्राफ बन गया तो दिख जाएगा। एफ डैश एक्स का अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे तो किस इंटरवल में होगा, समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट जीरो है, तो ओपन इंटरवल जीरो से वन में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ग्राफ देख के समझ रहे हैं। वन से बाद जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है नहीं है, और ये एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, इसको कैसे बोलोगे, इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये जो फंक्शन है ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो डिक्रीज नहीं करे तो क्या करेगा वो, या तो इंक्रीज करेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा। जो फंक्शन कभी डिक्रीज ना करे वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीज करेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। इधर मैं बता रहा हूँ, रुक जा। हाँ तो इसमें क्लियर आंसर हो जाएगा तुमको, ओपन जीरो से वन क्लोज नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, जीरो पे मोनोटोनिकली मोनोटोनिसिटी अगर बात करेंगे तो जीरो पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग नहीं है, जीरो पे फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है मोनोटोनिकली बात कर रहे हैं। रुक जाए एक सेकंड, देखो जो मैं बोल रहा था तुमको, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर डेरिवेटिव की बात करोगे तो डेरिवेटिव कुछ ऐसा आएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन एफ डैश एक्स जो हाँ जीरो होगा मे बी इन इंटरवल, किसी इंटरवल में ऐसा एफ डैश एक्स जीरो होगा। ग्राफिकली देखा जाए इस तरह का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज किया पहले फंक्शन, फिर कुछ दूर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज किया, तो एक्स वन और एक्स टू पे इंक्रीजिंग तो नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? देखो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, पॉइंट पे जब चेक करेंगे तो, जब वो लेफ्ट हैंड लिमिट से बड़ा होगा और राइट हैंड लिमिट से छोटा होगा। इक्वालिटी नहीं बोलते हैं, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट से बड़ा होगा राइट हैंड लिमिट से छोटा होगा। तो x2 पे फंक्शन जो है मोनोटोनस नहीं है, ठीक है। हाँ इंटरवल अगर चेंज कर देगा तुम, जैसे अगर तुम इंटरवल कर देगा क्लोज्ड इंटरवल x2 टू इन्फिनिटी, तब तो x2 को उसके आगे से कंपेयर करेंगे तो फिर वहां पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, बट ऐसे नहीं होगा, x1 x2 पे नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि डेरिवेटिव जो होगा पूरे इंटरवल में कॉन्स्टेंट जीरो हो रहा है, फंक्शन कॉन्स्टेंट हो रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। इसी तरह से नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, वो क्या होगा, या तो डिक्रीज करेगा, इस तरह का हो गया नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, कुछ इस तरह का फंक्शन रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, कुछ इस तरह का केस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसी इंटरवल में कांस्टेंट हो गया तो वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इसको इंक्रीजिंग नहीं बोल, इसको इंक्रीजिंग नहीं बोल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, टर्म यही है। डेरिवेटिव भले इसके लिए भी ऐसा ही आएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है डिस्क्रीट पॉइंट्स पे नहीं, एक इंटरवल में जीरो हो रहा है, बस फर्क इसी बात का है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें एफ डैश एक्स का अगर मोनोटोनिसिटी, जस्ट एक मिनट लेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें अगर एफ डैश एक्स का, अगर एफ डैश एक्स के बारे में बात करें तो एफ डैश एक्स किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, देख के बताओ, जो ग्राफ बनाए हो तुम लोग आर एम पीछे, जो ग्राफ बनाया है उसको देख के बताओ किस इंटरवल में होगा इंक्रीजिंग, जीरो से वन में होगा, यस।
लेकिन अगर मैं तुमसे एफ एक्स का पूछूं तब तुम क्या करेगा, देखेगा एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है, अगर हम तुमसे पूछे कि एफ एक्स कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो बस तुम देखेगा कि एफ डैश एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर किस इंटरवल में है। तुम क्या करेगा, तुम एफ डैश एक्स का ग्राफ में बस ये ऑब्जर्व करेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है। तो प्रॉब्लम में अगर ये पूछता कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो हमारा आंसर क्या होता बताओ, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा, हाफ को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बोलो। करेंगे नहीं करेंगे, हाफ पे क्या है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, जल्दी बोलो। मिनिमा। हाँ, हाफ पे क्या है, लोकल मिनिमा। क्यों मिनिमा है, क्योंकि देखो हाफ के अराउंड डेरिवेटिव का साइन, डेरिवेटिव का ना ये ग्राफ है, तो डेरिवेटिव क्या है, हाफ से जस्ट पहले निगेटिव है और हाफ के जस्ट बाद पॉजिटिव है, तो हाफ के अराउंड डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, तो x इज इक्वल टू हाफ क्या है, लोकल मिनिमा। तो तुमको कभी कभी डेरिवेटिव फंक्शन दे देगा, तो तुमको डेरिवेटिव का ग्राफ पूरा प्लॉट करके तुम पूरा बता देगा फंक्शन का कि फंक्शन जो होगा कब मिनिमा होगा कब मैक्सिमा होगा। इस पे एक और प्रॉब्लम हम देंगे नेक्स्ट क्लास में, इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि डेरिवेटिव का ग्राफ दे दिया या डेरिवेटिव फंक्शन पीस वाइज डिफाइन कर दिया, तो डेरिवेटिव का ग्राफ से हम बता सकते हैं, डेरिवेटिव का ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वो सारा पॉइंट्स जो होगा पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा होगा, अगर निगेटिव से पॉजिटिव गया तो लोकल मिनिमा, पॉजिटिव से निगेटिव गया तो एक ही पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा होगा एक्स इज इक्वल टू हाफ, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो ये फंक्शन जो है हाफ से आगे इंक्रीजिंग है और हाफ से पहले डिक्रीजिंग है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से हाफ के बीच में डिक्रीजिंग है एफ एक्स, और एफ डैश एक्स का क्वेश्चन में पूछा है तो आंसर हमारा जो है वो डी होगा, ये एक्स्ट्रा बता दिए, एफ एक्स के लिए पूछेगा तब ये, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो फिर हम लोग एक घंटे क्लास, हाँ हाँ ठीक है।